चैप्टर 4 एडॉप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन एनिमल्स में आज हम देखेंगे अपना टॉपिक एडॉप्टेशन टू हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पर जानवर रहते हैं वो वहाँ पे किस तरीके से अपने आप को एडॉप्ट करते हैं या अनुकूल बनाते हैं वहाँ रहने के लिए। हैबिटेट इज ए नेचुरल होम ऑफ एनिमल। हैबिटेट जो होता है वो जानवरों का प्रकृति के तरफ से दिया हुआ घर होता है। इट प्रोवाइड फूड वाटर एंड शेल्टर विच एन एनिमल नीड टू सर्वाइव। जो उनका हैबिटेट होता है वो उनको खाना पानी और आश्रय घर प्रोवाइड करता है, जो कि जानवर को सर्वाइव करने के लिए जीने के लिए जरूरत पड़ती है। देयर इज ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे विभिन्न प्रकार के हैबिटेट पाए जाते हैं। एनिमल कैन देयर फोर बी ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन, एरियल एंड एरबोरियल ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट दे लीव। तो एनिमल जिस तरीके के हैबिटेट में रहते हैं उनको उनके ग्रुप के हिसाब से बांटा गया है, जैसे टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन, एरियल, एरबोरियल। अब हम एक एक करके सभी ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल मतलब होता है जमीन पर रहने वाले जानवर। ऐसे जानवर जो जमीन पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। तो हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल आर द एनिमल डेट लीव ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल एनिमल वो जानवर होते हैं जो जमीन पर रहते हैं। डॉग, कैट, हॉर्स एंड लॉयन। डॉग मतलब कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सभी कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं। दे हैव फॉलोइंग एडॉप्टेशन। और इनके पास किस तरीके की एडॉप्टेशन होता है इसे हम अपने आगे पॉइंट में देखेंगे। तो जिसमें हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है ये टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑफ ऑर्गन। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनके जो नर्वस सिस्टम होता है, उनके शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है और उनका सेंस ऑर्गन होता है, उनके कोई चीज को पहचानने की शक्ति जो होती है, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं वैसे ही टेरेस्ट्रियल एनिमल में भी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। ये काफी डेवलप्ड होते हैं, काफी विकसित होते हैं। Which enable them to sense changes in the surrounding। तो जिससे इनको अपने surrounding में कोई भी changing जो होती है उनका आसानी से पता लगा पाते हैं, इनके जो sense organ होते हैं developed होने के कारण। Most of them have four legs which help them to move, jump and move on the land or hunt and defend themselves। ज्यादातर के पास क्या होते हैं? चार पैर पाए जाते हैं जिनकी सहायता से वो चलते हैं, कूदते हैं, आसानी से जमीन पे चल पाते हैं या अपनी सुरक्षा करते हैं या शिकार करते हैं। एक्सेप्शन लाइक स्नेक डू नॉट हैव लेग। कुछ अपवाद भी होते हैं, एक्सेप्शनल केस भी आ जाते हैं, जैसे कि सांप, इनके पास पैर नहीं पाया जाता। दे पोजेज स्केल्स और प्लेट विच अनेबल डेम टू क्रॉल। ये क्या करते हैं? इनके शरीर पे स्केल्स पाए जाते हैं जिसकी सहायता से क्या करते हैं? रेंग रेंग के जमीन पे चलते हैं। दे हैव लंग टू ब्रीथ। साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास लंग पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, जैसे हम लोग के पास, इंसानों के पास फेफड़े पाए जाते हैं, वैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास भी फेफड़े पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वो सांस लेते हैं। एनिमल लिविंग इन डिजर्ट हैव ए थिक स्किन विथ वेरी लिटिल हेयर ऑन इट। एनिमल जो कि डिजर्ट एरिया में रहते हैं, डिजर्ट एरिया में कौन सा जानवर रहता है? कैमल रहता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में कैमल रहता है, उसके शरीर पे छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। देयर स्किन प्रोटेक्ट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ हीट ऑफ द सन। तो इनके जो स्किन जो होता है वो इनको सन की जो रोशनी पड़ती है उससे जल ना जाए उससे बचाता है। इसका स्किन इसकी सन लाइट से रक्षा करता है। Some of these animal like camel have special organ to store water। कुछ जानवर और ऐसे होते हैं जैसे कि कैमल, इसके पास भी एक स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है, एक विशेष अंग पाया जाता है जिसमें वो अपने पानी को स्टोर करके रखता है, यानी इकट्ठा करके रखता है। बिकॉज वाटर इज नॉट इजली अवेलेबल इन डिजर्ट। हम जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी आसानी से नहीं मिलता है, तो इसके शरीर इस तरीके से होता है कि वो अपने शरीर में कई दिनों के पानी को स्टोर कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। एनिमल लिविंग इन कोल्ड रीजन लाइक याक एंड पोलर बियर। एनिमल जो कि ठंडे प्रदेश में रहते हैं, जैसे याक हो गया या पोलर बियर हो गया। ए थिक स्किन विथ फर ऑन इट एंड कीप देम वार्म। इनके शरीर पे भी एक मोटी त्वचा पाई जाती है जो इनकी रक्षा करती है, इन्हें गर्म रखती है। सम ऑफ देम आर लाइक पेंगुइन एंड सील हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन कॉल्ड ब्लबर। और इनके शरीर के नीचे एक मोटी त्वचा पाई जाती है जिसे ब्लबर कहते हैं। थैंक यू।